कर है आज, और आज बैठक को खत्म करने नीतीश सीधा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार का आज का दौरा बेहद अहम भी माना जा रहा है। दो दिन से ये सियासी हलचल भी इस बात को लेकर तेज है कि सीएम नीतीश कुमार भी दिल्ली के लिए रवाना होंगे, और बहुत तरह के सवाल आ रहे हैं सामने, चाहे विपक्ष की बात करें या सत्ता पक्ष की बात। सीएम नीतीश जब प्रधानमंत्री से मुलाकात करने दिल्ली जा रहे हैं तो वहां पर उनकी मुलाकात पर सबकी नजर है। बिहार से लेकर दिल्ली तक दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, और नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे तो बहुत तरह की बातें सामने आएंगी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल पे जो चर्चा होने वाली उसमें भी बहुत तरह की बात सामने आएगी, और तमाम मुद्दों पर सीएम नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद बातचीत करेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, सीएम नीतीश कुमार आज कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और सबकी निगाहें इसी मुलाकात पर हैं। अब बिल्कुल ऋतिक, देखिए जिस तरीके से मुलाकात की बात कर लीजिए या दिल्ली जाने की बात कर लीजिए, कैबिनेट की बैठक की बात कर लीजिए, या इससे पहले जो भी बैंकर्स के कमेटी के साथ जो बैठक हुई है उसकी बात कर लीजिए, ये तमाम देखिए बिहार में जो बैठकों का अभी फिलहाल दर चल रहा है, ये एक रूटीन आप इसको कह सकते हैं कि ये रूटीन है, इसके तहत ये बैठकें हुई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की चर्चा हो रही है तो वो है मोदी कैबिनेट की, और मोदी कैबिनेट के विस्तार से ठीक पहले, देखिए ये सुगबुगाहट है, अभी तक ये आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है या किसी तरीके से ये नहीं कहा गया है कि कैबिनेट में विस्तार होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के विस्तार का समय बताया जा रहा है कि हो गया है, और इसकी सुगबुगाहट है, और इसी सुगबुगाहट के बीच में जब ये दिल्ली दौरा सीएम नीतीश कुमार का हो रहा है तो इसको लेकर सियासी हलचलें तेज हैं। सियासी गलियारों में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी इस बात को लेकर कहा है कि नहीं, हम तैयार हैं और हमारी वहां पर भूमिका होनी चाहिए। हालांकि वहां कौन शामिल होंगे, कौन मंत्री हो सकते हैं, जेडीयू कोटे से कितने मंत्री हो सकते हैं, इन तमाम चीजों का जो फैसला होगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, फैसला वही लेंगे कि नाम मोदी के कैबिनेट में किसका नाम जाना चाहिए। ऋतिक, मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से स्थितियां हैं जी, सवाल ये है हमारा अविनाश आपसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने ये कहा है कि तैयार तो है जेडीयू, और जो नाम डिसाइड करेंगे, जो उस पर मोहर लगेगी, वो नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे तो वहां पर नाम का भी ऐलान होगा कि कौन मोदी कैबिनेट में शामिल होगा। अब बिल्कुल देखिए, ये आरसीपी सिंह ने ये बातें कही हैं, या फिर एक दो और नेताओं का की बात कही जाए तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो निर्णय होगा, जो फैसला होगा, वो नीतीश कुमार को ही लेना है। हालांकि देखिए, दिल्ली जब वो पहुंचेंगे वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की भी चर्चाएं तेज हैं कि हो सकती है कि मुलाकात हो। हालांकि सांसद ललन सिंह की बात करें, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि वो अपने निजी काम से या पार्टी के काम से वहां पर जा रहे हैं। लेकिन देखिए, जब मंत्रिमंडल विस्तार, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट हो, और इस बीच एनडीए के एक बड़े हिस्सेदार जेडीयू का के पार्टी के बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, यह सिर्फ और सिर्फ निजी काम या पार्टी के काम से ये नहीं हो सकता है। देखिए, इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते रहे हैं, पार्टी के विस्तार को लेकर पार्टी के नेताओं से भी दिल्ली में बातचीत होती रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेताओं से भी दिल्ली में मुलाकात उनकी अपने पार्टी की होती रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होती रही है। और वहां पर जब दो बड़े दल के दो बड़े नेताओं की मुलाकात होती है और जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी मुलाकात होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ औपचारिक मुलाकात, इसको कहना गलत होगा, क्योंकि देखिए दो बड़े राजनेताओं की अगर मुलाकात होगी तो राजनीति पर बातचीत होनी तय है, और जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर चल रही है उसमें जेडीयू अपनी हिस्सेदारी नहीं मांगे, ये भी कहना गलत होगा। देखिए, मंत्रिमंडल में विस्तार, जैसा कि अभी मैंने सुबह में भी इस बात की चर्चा की थी कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ और सरकार बनी, एक बार फिर से मोदी कैबिनेट का गठन हुआ और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद जिस तरीके से जेडीयू के हिस्सेदार में मंत्री का कोटा आया था, हालांकि बीजेपी उस समय ये कहा गया था कि बीजेपी एक सीट दे रही थी और जेडीयू दो सीटों की मांग कर रही थी, और दोनों सीट नहीं मिलने पर जेडीयू ने कहा कि हमें ऐसी हिस्सेदारी नहीं चाहिए, और इस पर खुलकर सीएम नीतीश कुमार ने भी अपनी बातें रखी थी कि नहीं, वो चाहते थे कि इसी तरीके से हिस्सेदारी हो, लेकिन अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो हिस्सेदारी
नहीं लेंगे, लेकिन देखिए उस समय की जो स्थितियां थी परिस्थितियां थी अलग थी, अब स्थिति परिस्थिति बिल्कुल अलग है। बिहार में भी राजनीतिक उठक पटक चल रही है। सवाल अविनाश जी बिल्कुल आपसे एक सवाल है मेरा, और दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक तो पहला सवाल यह है कि बिहार सरकार में वैसे भी कुछ सब ठीक नहीं चल रहा है, अगर आप देखें तो जेडीयू और बीजेपी के कई नेता आमने सामने भी आ जाते हैं और सीएम नीतीश अब मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से कर रहे हैं, तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। अब बिल्कुल देखिए क्यों नहीं हो सकती है। इससे पहले टुन्ना पांडे ने जो बीजेपी के एमएलसी थे उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधे कटाक्ष किया, सीधे आरोप लगाए, सीधे कई गंभीर आरोप लगाए, हालांकि बीजेपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। और इस तरीके से एक दो और नेताओं के जिक्र कर ले, और चाहे जेडीयू की तरफ से हो या फिर बीजेपी की तरफ से, बयानबाजी तेज रही है। किसी भी तरह से ना बीजेपी पीछे रहना चाहती है और ना ही जेडीयू। अगर कहीं से हमला होता है तो उसका सामने से वार का पलटवार जरूर होता है। लेकिन देखिए चर्चाएं जब हम कर रहे हैं तो मैंने अभी कहा कि तब की परिस्थितियां 2019 में जब सरकार बनी थी केंद्र में, तब की परिस्थितियां अलग थी, अभी की परिस्थितियां अलग थी। एक परिस्थिति मैं लालू प्रसाद यादव की तरफ लेकर जाना चाहूंगा क्योंकि वो बाहर हैं और उधर से भी कई तरीके के बातें निकलकर सामने आ रही हैं और सरकार में भी उठा पटक जिस तरीके से चल रही है। चाहे और ये कहा भी जा रहा है कि अगर बात करें जीतनराम मांझी की या फिर अगर हम बात करें वीआईपी प्रमुख की, तो वो भी संपर्क में है लालू यादव के, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि पर्दे में रहने दो बात को। बिल्कुल बिल्कुल देखिए मतलब एक तो नीतीश कुमार जितने मजे हुए खिलाड़ी हैं उनको समझ पाना बहुत कम लोग उनको समझ पाते हैं, लेकिन जो समझ पाते हैं वो फिर अपने उनके परिस्थितियों के अनुसार काम करना पड़ता है। देखिए स्थिति ये है कि अगर फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या जेडीयू हो, जिधर जैसे चीजों को चला रही है उसी तरीके से दूसरी जो सहयोगी पार्टियां हमको चलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मतलब आगे उछल कूद के लिए संभावनाएं नहीं रह जाती हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू की अभी भूमिका नहीं है, हालांकि अब जेडीयू की अगर भूमिका यहां पर बढ़ती है तो ये जेडीयू का कद बढ़ाएगा। देखिए अभी जहां तक मैं समझ पाता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के आरसीपी सिंह, ये तमाम बड़े नेताओं की एक ही पहली प्राथमिकता है जेडीयू को और बड़े स्तर पर लाना। हमने देखा किस तरीके से लोजपा के विधायक को तोड़कर अपने साथ मिलाया गया, बसपा के विधायक को, इसके अलावा जिस तरीके से कुशवाहा हो या फिर इन तमाम लोगों को एक बार फिर से जोड़कर जेडीयू को और मजबूत और बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और उस पर प्रयास चल रहा है। इसको लेकर यह तय मानिए कि जैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, जेडीयू का प्रतिनिधित्व करने वाला जेडीयू का कोई नेता उसमें जरूर होगा। बिल्कुल एलजेपी की अविनाश बात की आपने। एलजेपी में जब टूट हुई है, दो गुट बने हैं, एक चिराग गुट एक पारस गुट, और इस टूट के बाद सीएम नीतीश पहली बार मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से, और कहीं ना कहीं चिराग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा भी किया था कि जब हनुमान को राम से ही मदद लेना पड़े तो हनुमान कैसा राम कैसा, ये भी कुछ ना कुछ इशारा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी स्पष्ट होती हैं। हालांकि खुद पशुपति कुमार पारस जो हैं उन्होंने कहा था कि अगर मुझे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो मैं अपना जो दो पद है उसमें से एक पद छोड़ दूंगा। तो देखिए कयास है, हालांकि बहुत संभावनाएं नजर नहीं आती हैं कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से पहले उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं लोजपा तो उनके साथ है, लोजपा का गठबंधन उनके साथ है। हालांकि चिराग पासवान दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी पहुंचे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं, और खबर ये आ रही है कि पटना आएंगे और पटना में अगर शक्ति प्रदर्शन कर देते हैं या उस तरीके से एलजेपी कार्यालय के बाहर कुछ होता है तो फिर कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार को भी या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर सोचने और समझने पर विवश हो जाएंगे कि एलजेपी का जो वोट बैंक पासवान वोट बैंक है अगर वो चिराग पासवान के साथ है तो फिर तय मानिए कि पशुपति कुमार पारस को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि सिर्फ पांच सांसदों को जगह देने से कुछ नहीं होता है, परिस्थिति ये है। और यहां पर परिस्थितियां थोड़ी सी बदल जाएंगी, लेकिन फिलहाल अगर जेडीयू की माने तो यह तय मानिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात हो सकती है, जैसे कि चर्चाएं तेज है, तो ये मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा होगी और उसमें जेडीयू की सम्मानजनक हिस्सेदारी पर भी बात रखेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिल्कुल अविनाश जी, और बात करें तो सीएम नीतीश दिल्ली रवाना होने से पहले भी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। बीते दिन उन्होंने 169 भवनों का उद्घाटन किया दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यानी कि बिहार को एक नया आम दिल्ली में भी मिला है। और अब आज बात करें तो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की उन्होंने एक बैठक बुलाई, उसमें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जुड़े हैं, और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे, देन उसके बाद फिर वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो उनसे पहले भी वो एक्शन मोड में दिख रहे हैं सीएम नीतीश।
अब बिल्कुल देखिए एक्शन मूड में हैं और एक्शन मूड में रहना भी पड़ेगा। बिहार में दो दो महामारी और तीसरी की अगर बात कर लें तो बारिश और बाढ़ की बाढ़ का खतरा, ये स्थितियां हैं। और इस स्थिति परिस्थिति में भी दिल्ली जाना ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी विस्तार या फिर पार्टी को लेकर या निजी काम से नहीं हो सकता है, जिस तरीके से जेडीयू के कई नेता कह रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये उशोर इशारा जरूर कर रहा है जहां पर मोदी कैबिनेट के विस्तार में अपनी हिस्सेदारी मांगी जाएगी। और हिस्सेदारी मांगना भी लाजमी होता है क्योंकि बिहार में 17-17 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ी थी। लोजपा ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लोजपा ने 6 सीटें जीती थी, बीजेपी ने बिहार में 17 सीटें लोकसभा की जीती थी और जेडीयू के खाते में 16 सीटें आई थी। हालांकि एक जो किशनगंज की सीट है वो बिहार में कांग्रेस के हाथों में है, कुल 40 सीटों का यह आंकड़ा है, जहां 16 सीट जेडीयू के पास है। तो ये तय मानिए कि जेडीयू की हिस्सेदारी तो होनी चाहिए क्योंकि 6 सीटें मिलकर, और एक राज्यसभा में जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भेजा गया था वो मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया था, जेडीयू को भी शामिल किया जा रहा था लेकिन वहां पर वो जेडीयू ने खुद उसको मना किया था। तो अब जेडीयू की हिस्सेदारी होगी और जेडीयू अपनी हिस्सेदारी और सम्मानजनक हिस्सेदारी मांग रहा है। तो ये तय मानिए कि 1 से 2 तो कम से कम मंत्री पद मांगे जा सकते हैं और मिल भी सकता है। और 2-3 नेताओं का भी नाम आ रहा है जिसमें आरसीपी सिंह का जिक्र कर लीजिए या फिर ललन सिंह का जिक्र कर लीजिए, 1-2 और जो बड़े नेता हैं उनका भी नाम आ रहा है, लेकिन लिस्ट इस तरीके से तैयार हो रही है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो हम बता रहे हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और इस मुलाकात से पता चलेगा। और बिल्कुल अविनाश, एक सवाल आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगा कि बाढ़ की स्थिति ने बिहार को बता दिया है। हर बार जब मानसून आता है तो बिहार में बाढ़ भी कहीं ना कहीं दस्तक देता है, चाहे हम बात कर ले पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण की, कोसी क्षेत्र की बात कर ले तो गंडक तबाही मचा रहा है, कोसी उफान पर है। इसको लेकर भी यह बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश राहत पैकेज की मांग प्रधानमंत्री मोदी से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए क्योंकि देखिए जिस तरीके से बिहार, उत्तर बिहार खास करके हमेशा ही अगर 1-2 साल के गैप की बात कर लें या फिर कई बार तो लगातार कई सालों तक भी इस तरीके से बाढ़ की समस्या झेलनी पड़ती रही है। और स्थितियां ये रही हैं कि कई मतलब लाखों की संख्या में आबादी प्रभावित होती है, कई लोगों के जान चली जाती है, मवेशियों की जान चली जाती है, इसके साथ साथ भारी मात्रा में फसलों का नुकसान होता है जो किसानों की कमर तोड़ देता है, आर्थिक नुकसान होता है और फिर स्थितियां संभालने में बहुत स्थिति खराब होती है। ऐसे में अभी फिलहाल जो स्थिति है, मानसून की सक्रियता इतनी ज्यादा है, मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और लगातार हम देख रहे हैं पिछले एक पखवाड़े से तो लगातार बारिश हो रही है और उत्तर बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्थिति खराब हो रही है, चाहे जैसा कि अभी आपने कहा, चाहे पूर्वी चंपारण की बात कर ले, पश्चिमी चंपारण की बात कर ले, गोपालगंज की बात कर ले आप, इसके अलावा पूर्णिया के आसपास का इलाका जो है, कई अररिया का जो आसपास का इलाका है, ये ऐसे कई इलाके हैं जहां पर फिलहाल कई जगहों पर पानी लगा हुआ है, जलमग्न की स्थिति है। इस पर मांग कर सकते हैं और मुझे ये लगता है कि अगर वो मांग करते हैं तो राहत पैकेज मिलना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री आज कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली रवाना होंगे और एक कयास लगाए जा रहे हैं कि जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे तो कई अहम मुद्दों पर, बड़े मुद्दों पर सीएम नीतीश पीएम मोदी से चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजधानी पटना के IGIMS में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने अस्पताल में पौधारोपण किया और पेड़ पौधे से होने वाले फायदे को बताया। बता दें कि नीम हकीम अभियान के तहत राज्य में जल जीवन हरियाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। बयान देते हैं ये पूरा देश जानता है, इसलिए उनके बयान पर प्रतिक्रिया देने का कोई मतलब नहीं। लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है, आप सब लोग को मालूम है कि पूरे देश में इसकी समस्या है, लेकिन बिहार पहला राज्य है जिसने एम्फोटेरिसिन दवा मरीजों को उपलब्ध कराई है और हम लगातार प्रयास करते हैं कि लोगों तक इसकी सहजता से उपलब्धता हो। इसके तहत पूरे राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं और उसी कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए हम लोग इसको और आगे बढ़ाने के लिए, तेजी से करने के लिए अस्पतालों का चयन किए हैं और पूरे राज्य के अस्पतालों में हम लोग नीम का अलग से नीम हकीम कार्यक्रम चला रहे हैं, क्योंकि नीम का पौधा अपने आप में एक हकीम के रूप में होता है और नीम के पौधे के पास ऑक्सीजन तो पर्याप्त होता ही है, जो दूषित वातावरण है, दूषित जो ये हवा है उसको वो शुद्ध करने का काम करता है, कीटाणुओं को भगाने का काम करता है। सांसद चिराग पासवान की 5 जुलाई की प्रस्तावित आशीर्वाद यात्रा को लेकर बिहार का दलित समाज काफी उत्साहित है। इस यात्रा को भव्य और यादगार बनाने की कवायद भी तेज हो चुकी है। चिराग पासवान की यात्रा को लेकर काफी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी देखी जा रही हैं। मोकामा में आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने की कवायद अब शुरू हो गई है, लिहाजा चिराग की यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का दलित समाज ने ठान ही लिया है।
चिराग हाजीपुर आशीर्वाद यात्रा के लिए। यह आशीर्वाद पूरे जाति संप्रदाय के लोग तुम्हारे साथ है और यह विश्वास के साथ है कि यह बिहार ही नहीं पूरे भारत पूरे देश तुम्हारे साथ है। इस बात का खुलासा अब जनता को आंख में खुल गई है कि पूरे भारत के लोग आपके साथ है चिराग। उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जहां पुलिस ने लालच देकर बड़े धर्म परिवर्तन रैकेट का खुलासा किया है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। इस मामले में दिल्ली से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। सीएम योगी ने आरोपियों पर रासुका लगाने का आदेश दिया है। इसके अलावा उन्होंने आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं। मंगलवार को गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम योगी ने ये निर्देश दिए। समस्तीपुर के सरायगंज में बेखौफ अपराधियों ने 20 वर्षीय युवती को गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों के माने तो मृतका राधा कुमारी अपनी दोस्त के साथ बाइक से अपनी ननिहाल जा रही थी और इसी दौरान अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है। कोई फोन पब्लिक किया तो हम लोग वहां पे पहुंचे कब्रा चौर के पास, तो वहां देखे स्पॉट मरा हुआ था। कैसे मरी है वो तो मालूम नहीं, लेकिन देखने से पता चला एक गोली लगा हुआ था माथा में। हम लोग चली भी जान देख रहे थे, खाला से फाल आया रामचंद्रपुर के बीच में, लड़की का मर्डर हो गया है। आइए वहाँ से हम लोग गए तो देखे गोली लगा हुआ है माथा भी पार मारा हुआ है, पार निकाला हुआ और मुँह भरे ऐसे ही पकड़ पर लेटा गिरा हुआ। वहाँ पहुँचे, कानूनी कार्रवाई होने के बाद अपना पोस्टमार्टम के लिए उठा कर लाए। नालंदा के काजी चौक गांव में आपसी विवाद के दौरान एक युवक को गोली मार दी गई जिसे इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया है। बताया जा रहा है कि अपने परिवार के साथ किसी बात को लेकर उसका झगड़ा हुआ और इसी दौरान पड़ोस के लालू यादव नाम के एक युवक ने उसके ऊपर गोली चला दी। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। घर में लड़ रहे थे सर और किसी से हम बात विचार भी दूसरा को नहीं किए और सीधे हम अपना घर में लड़ रहे थे। आगे दूसरा को बोलना हम लोग घर में लड़ाई कर रहे थे आपस में बस और कुछ नहीं, गली में हम खड़ा थे और वो घर घुस के गोली मार रहा है, घर का बगल वाला है। कौन है, नाम क्या है उसका? नाम लल्लू है। और पटना सिटी के मंगल तालाब में एक युवक के डूबने की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद मौके पर सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार ने डूबता युवक को तालाब में छलांग लगाकर बचाया और आनंद फानंद में युवक को नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई जहां अस्पताल पहुंचने के क्रम में युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कृष्ण कुमार सहायक थाना अध्यक्ष को भेजा, गोताखोरों की खोजबीन की गई किंतु कोई नहीं मिला। अंत में जान की परवाह नहीं करते हुए हमारे थाना के वनी कृष्ण कुमार सहायक थाना अध्यक्ष और एक स्थानीय व्यक्ति दोनों ही पानी में कूद गए और जो है डूब रहे युवक को पानी से बाहर निकाला, तत्काल उसे NMCH इलाज हेतु। लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बाढ़ की वजह से खासकर किसान काफी परेशान है। नालंदा के रहुई गांव के गौढ़ा खंडा और जहरा खंडा में नदी का बांध टूटने की वजह से पानी लगातार खेतों में बह रहा है जिससे फसल की बर्बादी हो रही है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं। किसानों का आरोप है कि हर साल बाढ़ आ जाती है लेकिन फिर भी अभी तक बाढ़ को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई। बाढ़ का तो स्थिति खराब है। क्या हो रहा है आजकल? फिलहाल तो सब चीज दहिया गया। अच्छा, बांध टूटा है। बांध तो यह है, 95 नदी का बांध है। बाढ़ के लेकर यहाँ स्थिति यही है सर कि देख रहे हैं यहाँ खाण हो गया है। धान हाईब्रिड कुल लगाए थे हम लोग मोल्ला के, उसके बाद अब तो धान पूरा डूब गया, इस बिचड़ा सब खत्म हो गया, मूंग भी नुकसान हो गया मेरा। आने जाने के लिए लोग बांध को नीचा कर दिए थे, डाउन कर दिए थे यहाँ पर, और हमारे पदाधिकारियों को जानकारी मिली तो बोरा वगैरह दिए थे, बोरा वगैरह देकर कैंसी वगैरह देकर रुख सुख किए। बेतिया जिले के बघा के बाढ़ प्रभावित इलाका झंडू टोला चकदहवा के ग्रामीणों ने बाढ़ से बचने के लिए SDM को ज्ञापन सौंपा। दरअसल बघा के चकदहवा क्षेत्र में हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ ने तबाही मचाई।
ग्रामीणों ने ज्ञापन में सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनके सूखे अनाज समेत खेत में लगे गन्ने और धान की फसल डूबकर बर्बाद हो गए हैं। अगर नेपाल की तरह यहाँ की सरकार भी 2 किलोमीटर तक बांध बनवा दे तो बाढ़ कभी नहीं आएगी, जिससे हजारों लोग खुशहाल होंगे। वहीं एसडीएम ने ग्रामीणों की मांग को जायज बताते हुए इस प्रस्ताव को आगे भेजने की बात कही है। जो प्रभावित होती है वो चकदावा पंचायत ही है। ये लोग आए थे, इनका एक डिमांड है कि वहाँ बांध बनाया जाए, जो कि काफ़ी जेन्युइन प्रतीत होती है, तो इसको हम लोग आगे विभाग की ओर अग्रसारित करेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल। बिहार में विकास की बयान बह रही है, सुशासन और विकास बार बार बिहार से भागने को उठकर खड़ा होता है, लेकिन सरकार है कि उसे बिहार के किसी दूसरे प्रदेश में जाने नहीं दे रही। हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि जब ये विकास है तो विनाश की परिभाषा क्या होगी, ये सुशासन है तो कुशासन की तस्वीर क्या होगी। इस रिपोर्ट को देखिए। ये तस्वीर देखिए, यह है बिहार के कटिहार जिले का नवटोलिया गांव, जहां लोग सड़क पर नहीं चचरी पर चलते हैं। यहां के विकास और सुशासन को देखकर आपकी भी आत्मा कांप जाएगी। ये बच्चे और महिलाएं किसी सर्कस के बांस पर नहीं चल रहे, बल्कि विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। यह है फलका प्रखंड का नवटोलिया गांव, जहां विकास की बयार नहीं बल्कि आंधी बह रही है, और शायद उसी आंधी में यहां की सड़क और पुल बह गए। बच गया तो बस ये चचरी, जो इस गांव के लोगों का लाइफलाइन बना है। कौन हंसता होगा, कौन डूब जाएगा, मर जाएगा। आज भी एक आदमी वहां पे गिर गया, वो तो मान लीजिए कि कम पानी में गिरा तो नहीं, वो बच गया। किस लिए जाना पड़ता है उधर? हाँ, इधर गांव है, आप लोग घर उधर है? इधर घर है, ये सब बिहार इधर पर। निसुंदरा काली स्थान से गोपालपट्टी सड़क में आदिवासी टोला के उत्तर सोहता नवटोलिया गांव बसा है। आज तक यह गांव मुख्य सड़क से नहीं जुड़ सका। लोगों को गंगा सागर धार पर बने चचरी पुल से या फिर पानी से गुजरना पड़ता है। फिलहाल में चचरी पुल की जर्जर हालत है। मजबूरी में लोग हर रोज खुद की जान जोखिम में डालकर इसी जर्जर पुल से गुजरते हैं, जबकि कई बार आकस्मिक दुर्घटना भी घट चुकी है। गांव वालों का कहना है कि 5 साल पहले कुछ लोग नापी कर गए थे कि पुल बनेगा, जनप्रतिनिधियों की ओर से खोटे आश्वासन के सिवा आज तक कुछ नहीं मिला। यही कि आज कुछ नहीं बन रहा है, तब से जो है हम लोग मांग कर रहे थे, लेकिन 5 साल पहले जो है कि यहाँ पे नापी जोखी करके गया, तब से जो है कि कोई यहाँ खबर नहीं मिली, लेकिन कोई नहीं। बिहार सरकार और सड़क निर्माण मंत्री समेत तमाम जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि ये गांव भी बिहार में ही आता है, और अगर सच में बिहार में विकास की बहार और बयार है तो इस गांव में भी उसकी आहट पहुंचनी चाहिए। डीटीवी भारत के लिए कटिहार से मनीष की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, यहां में दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।